सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के द्वितीय चरण के 70 विधानसभा सीटों के आज मतदान संपादित हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से सभी जगह पे निर्वाचन की प्रक्रिया जो है संपन्न हुई है। द्वितीय चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों के 5 बजे तक के जो मतदान का प्रतिशत है वो 68.15% है और ये अनुमानित जो है रुझान है, क्योंकि मतदान केंद्रों के जो आंकड़े प्राप्त होने हैं उसमें अभी भी लगभग 10 से 15% मतदान केंद्रों में मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ है और ये आंकड़े अंतिम रूप से 17A के मिलान के बाद स्क्रूटनी के पश्चात ही फाइनलाइज होंगे। इस बार जो मतदान हुआ है उसमें विशेषता ये रही है कि हमने दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में भी केवल 5 और कई जगह पे 12 मतदाता या 5 मतदाता या 30 मतदाताओं के लिए भी मतदान केंद्र स्थापित किए थे। विशेष रूप से मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र का, जहाँ पर मतदान केंद्र 143 शेरा डांड में केवल 5 मतदाताओं के लिए और काटो मतदान केंद्र 139 में केवल 12 मतदाताओं के लिए, वैसे ही रवेला 162 मतदान केंद्र में केवल 23 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया था और तीनों मतदान केंद्र जो है उसमें लगभग 10 से 22 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करके जो है हमारे मतदान कर्मियों को पहुंचना पड़ा था। उसी तरह से बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र जो अत्यंत नक्सल प्रभावित गरियाबंद जिले का क्षेत्र है, वहां पर अति संवेदनशील दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में आमामोरा और ओढ़ ये मतदान केंद्र है, जहां पर 8 किलोमीटर पैदल यात्रा करके हमारे मतदान दल पहुंचे थे। प्राप्त जानकारी अनुसार आमामोरा में 80% और पोलिंग स्टेशन ओढ़ में 79% जो है वो मतदान हुआ है 5 बजे तक। द्वितीय चरण के मतदान हेतु मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा गया है। युवा वर्ग, महिलाएं, पुरुष, तृतीय लिंग समुदाय सभी ने बढ़ चढ़कर मतदान में अपनी भागीदारी निभाई है। दिव्यांगजनों और वृद्धजनों ने भी मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान दिवस में मतदान केंद्रों में लगभग 1962 जो है सेक्टर ऑफिसर हमारे नियुक्त थे, जिन्होंने कानून सुव्यवस्था की पूरी पुख्ता जिम्मेदारी जो है निभाई। इसके साथ साथ हमने जो विशेष रूप से संगवारी मतदान केंद्र बनाए थे 727 और 71 जो है पूर्ण रूप से दिव्यांग मतदान केंद्र और युवा मतदान केंद्र 71, इन्हीं में 347 जो है आदर्श मतदान केंद्र थे। यहां पर भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है। द्वितीय चरण में मतदान केंद्रों के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपादन कराने हेतु पर्याप्त और व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे। तो राज्य के 18,833 मतदान केंद्रों में से 9,224 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की भी सुविधा की गई थी, जो कि कल स्क्रूटिनी में हमारे ऑब्जर्वर्स के साथ जब समीक्षा होगी तो उसका भी जायजा लिया जाएगा। मतदान के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण जो ईवीएम की खराबी हुई है वो लगभग 1 से 2% की रही। इसमें 137 बीयू और 113 सीयू और 349 वीवीपैट्स मतदान के दौरान बदले गए हैं। द्वितीय चरण के निर्वाचन में एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के कैडेट्स के माध्यम से वृद्धजन और दिव्यांग मतदाताओं को जो है हमने वोटिंग किया। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम और एक घटना का उल्लेख यहाँ पर करना चाहेंगे, जो हमारे गरियाबंद जिले के विधानसभा क्षेत्र 55 है बिंद्रा नवागढ़, वहाँ पर हमारे 9 पोलिंग बूथ्स का, जैसे कि कल मैंने बताया था कि पोल टाइप हमने 7 से 3 ये अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण था, वहाँ पर
आज 4:45 पर बड़े गोबरा गांव के पास जो स्टैटिक फोर्स की आईटीबीपी की पोलिंग पार्टी है के जो पुलिस पर्सनल है वो पोलिंग पार्टी के साथ वापस लौट रहे थे, उस समय हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह जो है उनको ये जो है आईडी ब्लास्ट की घटना के वजह से जो है मतात हुई है और उसमें वो शहीद हो गए हैं। उनके प्रति हमारी हम सांत्वना व्यक्त करते हैं और आज के इस मतदान के दिवस में राज्य में इस तरीके की जो है घटनाक्रम रहा है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।